एक पहली डोज एक वैक्सीन की लग गई और दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की लगाई गई। अभी पिछले कुछ दिनों में ये खबर आई कि कुछ प्रदेशों में एक डोज एक पर्टिकुलर वैक्सीन की लगाई गई और दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की लगा दी गई। ये एक प्रोग्रामेटिक एरर है जो बहुत ज्यादा लेवल पे तो नहीं हुई है, लेकिन करीब करीब सभी जगह थोड़े बहुत हुए हैं, बट ये ज्यादा ऐसा नहीं है कि हजारों में इस तरीके से है। जो अभी तक हमें समाचार मिला है वो 100 से कम इस तरीके का है। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले ये आश्वस्त होने की जरूरत है कि ये देखा गया है कि दो अलग अलग वैक्सीन की डोज लग जाने से कोई सुरक्षा में कोई परेशानी नहीं है, कोई एडवर्स इवेंट्स हो रहे हो या वैक्सीन की सुरक्षित होने में कोई कमी हो वैसा नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम एरर है और इसमें जो चिकित्सा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी है उनको बता दिया गया है कि इस तरह की गलती आगे ना हो। यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि कोविन ऐप की वजह से हम लोग ये एंश्योर हुआ है कि इस तरह की प्रोग्राम एरर बहुत कम हो। दूसरी चीज एक ये है कि कुछ प्रदेशों में खासतौर पर कर्नाटक में ये देखा कि स्वास्थ्य कर्मी दो के बाद कोई दो वैक्सीन की एक वैक्सीन की दो डोजेज लगवाने के बाद एक तीसरी डोज भी लगवाने के लिए उत्साहित रहे हैं, उन्होंने लगवाने की कोशिश की है। और इसमें मुख्य उद्देश्य लोगों का रहा कि भाई इससे शायद उनकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाएगी। वैक्सीन के द्वारा जो कोरोना के प्रति बचाव का जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी, लेकिन ये शायद सही नहीं है। इसके लिए प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज करने की जरूरत है और इस बारे में डिफरेंट लेवल्स पे सोच चल रही है कि शीघ्र ही इस तरह की स्टडीज करनी चाहिए। इनको इंटरचेंजेबिलिटी स्टडीज बोलते हैं कि एक पहली डोज एक वैक्सीन की लग गई और दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की लगाई गई। If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com.